आपका नंबर इस वक्त बंद है। बंद है? 3 बज रहे हैं, पता नहीं कहाँ है। ऊपर से फोन भी बंद किया हुआ है। अब तो इनको मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। आप ही? क्या हुआ, आप सोई नहीं अभी तक? क्या खाक सो, अभी तक असद घर नहीं आए। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। अरे आपी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आप अभी उन्हें कॉल करके मालूम कर लें कि वो कहाँ हैं। ट्राई किया था, उन्होंने अपना फ़ोन भी बंद किया हुआ है। फ़ोन बंद है? कमाल है, असद भाई अपना मोबाइल कभी ऑफ तो नहीं करते हैं। इसी वजह से तो परेशान हूँ। मुझे तो लगता है। क्या लगता है आपी आपको, कोई बात है तो बताएं मुझे। नहीं, कोई ख़ास बात नहीं। फराब, मुझे लगता है असद का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। नामुमकिन है, असद भाई ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये सब आपकी सिर्फ गलत फहमी है। यकीन तो मुझे भी नहीं है, मगर शक ज़रूर है। कैसा शक? देखो, शक की सबसे बड़ी वजह उनका अक्सर गायब रहना है। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। वो ठीक 8 बजे घर पे होते थे, और अगर कोई इमरजेंसी आ भी जाती थी तो एटलीस्ट फोन करते थे मुझे। लेकिन अब तो लगता है आ गए। कहाँ रह गए थे आप? कब से वेट कर रही हूँ, आपको मेरा जरा भी एहसास नहीं है। अंदर तो आने दो। अब बताएं कहाँ रह गए थे और मोबाइल क्यों बंद था? सेल फोन गिर गया था मेरा कहीं। क्या गिर गया, कैसे? पता नहीं। अंदर आए। असद भाई, आजकल कहाँ गायब रहने लगे हैं आप? अभी आप ही मुझसे आपकी शिकायत कर रही थी। अरे इनकी बातें छोड़ो, ये तो ऐसे ही डरती रहती है। सेल फोन कहाँ गिरा? पता नहीं गिर गया या मैं कहीं भूल गया। दरअसल आज पूरा दिन बहुत बिजी था, कई जगह जाना पड़ा मुझे। अच्छा सद भाई, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना निकालती हूँ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों, भूख क्यों नहीं है? यार हर बात पर शक नहीं किया करो। मीटिंग में था, वहां खाना खा लिया मैंने। कपड़े इस्त्री कर दीजिएगा, सुबह मुझे जल्दी जाना है। वो असद, इसमें कौन से परफ्यूम है? कभी इसकी खुशबू महसूस नहीं की पहले। मुझे तो कोई लेडीज परफ्यूम लग रही है। पागल हो गई हो क्या? इरफान ने ऑफिस में लगा दिया था, तुम्हें तो पता है कि उसे परफ्यूम्स वगैरह का शौक है। अच्छा, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं कुछ नहीं छुपा रहा तुमसे। अब सोने की तैयारी करो, वैसे ही बहुत थकन हो गई मुझे। अरे देख क्या रही हो, लाइट्स तो बंद करो। तुम बहुत बदल गए हो सर। सुन लो, अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। देखो सायरा, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। हमारी शादी को 9 साल का अरसा गुजर चुका है, और इतने अरसे में मियाँ बीवी के दरमियान बहुत कुछ बदल जाता है, मगर मैं आज भी तुमसे उतना Thank you.
कुछ ना कुछ चक्कर तो जरूर है, कोई तो गड़बड़ है। मोबाइल क्यों पागल हो गई हो तुम? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? इतना शक ठीक नहीं होता सायरा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये रवैया मुझे कोई इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर कर दे। सॉरी असद, लेकिन मेरा शक बेबुनियाद नहीं है, समझ गए ना? आपी आपी उठें, आपी 12 बज रहे हैं। और आप यहाँ क्यों सो रही थी? सब ठीक तो है ना? असद भाई से कोई लड़ाई हुई है क्या आपकी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर आप हमें असद पे नज़र रखनी होगी, पता लगाना होगा क्या आजकल उनकी एक्टिविटीज़ हैं क्या, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। देख लिया ना तुमने, आज भी इनका अभी तक कुछ पता नहीं है। अरे आप ही आ जाएंगे असद भाई, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? 9 ही तो बजे हैं अभी सिर्फ। फरा एक बात सुनो मेरी, कल हम इनका पीछा करेंगे, मैं भी तो देखूं कि आखिर इस मसरूफियात का नाम क्या है। आपी आप बिला वजह शक कर रही हैं असद भाई पर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब आपका सिर्फ वहम है। बीवी हूं उनकी, बाखूबी जानती हूं। देख लेना, किसी ना किसी लड़की का चक्कर जरूर निकलेगा। अच्छा ठीक है, फिर हम मालूम करेंगे कि मसला क्या है। लगता है आ गए। थैंक यू। टाइम देखा है आपने? 10 बज रहे हैं। ट्रैफिक जाम था यार। अच्छी बात है, रोज रोज नए बहाने है ना। ये तो कल वाली ही खुशबू है ना? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? अरे ये क्या, आपको चोट कैसे लगी? चोट कैसी चोट? ये तो लिपस्टिक। क्या चल रहा है सर? कौन है वो लड़की? तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना, है ना? तुमने मेरे मौत का कत्ल किया है असद, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं, समझे तुम? देख लिया ना तुमने, मेरा शक सही निकला। देखना मैं उससे तलाक ले लूंगी। आप ही ऐसी बातें मत करें, हो सकता है कि दोनों में सिर्फ बेतकल्लुफी हो। यकीन ही नहीं आता कि ऐसा हो चुका है। रोज बरोज टाइम बढ़ रहा है, अभी भी देखो 3 बज रहे हैं और उसका कोई पता नहीं। कहीं दोनों ने शादी तो नहीं कर ली? नहीं नहीं आपी, आप घबराएं मत, असद भाई आए तो आप उनसे खुल के बात कर लीजिएगा।
झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें उस चुड़ैल के साथ। कौन है वो, क्या चक्कर है तुम्हारा उससे? कल पूरी रात तुम उसी के साथ थे ना, है ना? बस असद, बहुत हो गया, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप प्लीज जरा ऊपर अपने कमरे में जाइए। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं तुमसे बात कर रही हूं असद, जवाब दो मेरी बात का। तुमने मेरा दिल दुखाया है। सायरा, मैंने किरण से शादी कर ली। शादी? दफा हो जाओ अभी के अभी, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, समझे तुम? देखो सायरा, अगर मैंने उससे शादी की है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं बहुत परेशान हूं सायरा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुम अपनी बकवास बंद करो और चले जाओ यहां से। नफरत करती हूं मैं तुमसे। मोहब्बत की बात करते हो ना, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते तो उससे कभी शादी नहीं करते। दो टके के घटिया इंसान, मैंने तुमसे शादी करके तुम्हें इज्जत दी, दौलत दी, तुमने क्या किया? ये सिला दिया मुझे? मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ, चले जाओ यहाँ से। असद, ये क्या कर रहे हो? असद, खोलो इसे, क्या कर रहे हो? मरने दो मुझे, मैं इसी काबिल हूँ, मैं घटिया इंसान हूँ ना, मुझे मर जाना चाहिए। असद भाई प्लीज नीचे उतरे, अगर आपको कुछ हो गया तो आप ही भी मर जाएंगी। नीचे आओ सर, प्लीज नीचे उतरो। ये क्या कर रहे थे तुम असद? वो सब तो मैंने गुस्से में कहा था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मैं तुमसे अभी भी मोहब्बत करती हूँ, बस तुम उसको तलाक दे दो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा, है ना? बात मानो मेरी प्लीज। मैं उसे तलाक दे दूं? ₹5 लाख रुपए मैं भला तुम्हें कैसे दे सकता हूं? तुम तो जानती हो कि ये सारी शानो शौकत तुम्हारी बहन की मरहूने मिन्नत है, मैं तो बस एक छोटा सा मुलाजिम हूं। मैं जानती हूं असद भाई, लेकिन फिर मैं और किससे कहूं? अगर पैसे ना मिले तो शहजाद का MBA रुक जाएगा और उसका ये फाइनल सेमेस्टर है। प्लीज असद भाई आप कुछ करें, वरना शहजाद आगे चलकर क्या करेगा? और इस बारे में मैंने सायरा आपी से भी बात की थी, उन्होंने तो साफ मना कर दिया ये कहकर कि मेरे मंगेतर के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप तो जानते हैं सायरा आपी कभी नहीं चाहती कि मेरी शादी शहजाद से हो। वो ठीक कह रही है, मैं उसकी माली हालत जानता हूँ। एक मिनट, कैश नहीं है तो क्या हुआ? तुमने एक बार कहा था कि उसके पास एक छोटा सा मकान है जिसकी कीमत कई लाख रुपए है, अगर हम वो मकान बिकवा दें तो तुम्हें तुम्हारे 5 लाख मिल जाएंगे और कुछ लाख मेरे हिस्से में भी आ जाएंगे, उससे मैं कोई छोटा मोटा कारोबार कर लूँगा, ये जॉब वगैरह मुझसे भी नहीं होती। वो तो ठीक है सर भाई, लेकिन सायरा भी अपना मकान क्यों सेल करेंगी? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बस मुझे उस प्यार के दरमियान कोई रुकावट लानी होगी और उस रुकावट को हटाने के लिए वो मकान बेच देगी। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें बस उसे ये यकीन दिलाना होगा कि उसके और मेरे दरमियान कोई तीसरा आ गया है। तीसरा? आप कहना क्या चाह रहे हैं? यानी कोई लड़की। तलाक देना इतना आसान नहीं है, पता नहीं क्या हुआ था मुझे जो बिना सोचे समझे 12 लाख रुपए मेहर रख दिया मैंने। 12 लाख? ये तो बहुत ज्यादा रकम है,
अब क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि वो मुझसे खुद खुला ले ले, तभी मेरी उसे जान छूट सकती है। I'm sorry. असद, मर्द रोते नहीं है और वो तुमसे कभी भी खुला नहीं लेगी। अगर उसने खुला ली तो उसके 12 लाख डूब जाएंगे। अच्छा नहीं किया तुमने, मेरा एतबार तुम पे से उड़ गया है। मेरे पास सॉरी के सिवा और कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, चाहे हम दोनों के दरमियान तलाक ही क्यों ना हो जाए। पागल मत बनो, इस तरह के फजूल लफ्ज बोलने की जरूरत नहीं है। तो क्या करूं, तुम कहो तो किरण को भी यहीं ले आता हूँ, तुम दोनों साथ रह लेना। कोई जरूरत नहीं है, तुम उसका हक में अदा कर दो बस। तो ये कैसे होगा, तुम्हारे पास है इतना कैश? वो दस्तगीर वाला घर है ना, बेच दूंगी। अब क्या कर सकते हैं।